इसमें रहीम स्टूडेंट्स फिज़िक्स के एम सी क्यूज टोटल ट्वेल्व आते हैं अब तो हम सॉल्व करते हैं गैस पेपर को क्वेश्चन नंबर वन इन वैक्यूम ऑल एलेक्ट्रो वेव्स हैव द सेम अब आप याद करें अपने चैप्टर को इसमें क्या चीज़ थी स्पीड थी फ्रीक्वेंसी थी एम्पलीट्यूड थी या वेवल था आंसर इज़ वेरी सिंपल स्पीड स्पीड क्या होती है थ्री इंटू टेन पर एट मीटर पर सेकेंड हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन वैक्यूम क्वेश्चन नंबर टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज नोन एज वेव इक्वेशन फ्रीक्वेंसी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन या वेव लेंथ इक्वेशन अब देखें तीन चीज़ें स्पीड है फ्रीक्वेंसी है और वेव लेंथ है ज़्यादा ये वेव इक्वेशन है वी इज इक्वल टू लेमडा एफ क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वेव इज साउंड इलेक्ट्रिकल लॉन्गील ट्रांसफर्स या मैग्नेटिक बड़ा आसान है लॉन्गील है ये आप याद रखें अपनी तस्वीर आप ध्यान में रखें कि जो भी साउंड वेव होती है वो इस शक्ल की होती है और वो वेवलेंथ इस तरह मूव करती है कंप्रेशन होती हैं रिफ्रैक्शन होती हैं तो ये कौन सी फॉर्म ऑफ वेव होती है लॉन्गील नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अ रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास ये क्वेश्चन समझ के पढ़ें इफ अ रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इंसीडेंट ऑन एन एयर सर्फेस एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल द रे विल रिफ्लेक्ट ओनली रिफ्लेक्ट ओनली पार्शली रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ओनली तो इस केस में रिफ्लेक्ट ओनली होएगी क्यों ये डाइग्राम समझेंडेंट रेज इन साइड अ ग्लास है और किसके ऊपर पड़ रही है एयर के ऊपर और एंगल क्या है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ऐसी सूरत में ये कंप्लीटली बेंड हो जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है क्वेश्चन नंबर फाइव अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बहुत आसान है विल बी इसके एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस वेर एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो दो चीज़ों के बीच में तो उनके बीच में अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सिक्स वेन वी अप्लाई मोर वोल्टेज टू एन ओहमिक कंडक्टर एक ओहिक कंडक्टर है तो उसमें अंदर क्या होता है ओहिक होते हैं और नॉन ओमिक होते हैं ओहिक कंडक्टर वो होते हैं जो कि ओहज लॉ वी इज इक्वल टू आई आर को आ, आ, हमेशा सपोर्ट करते हैं तो क्या होएगा इस सूरत में तो जारी बता ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ये आप एक तस्वीर से समझें कि अहम यानी रेजिस्टेंस तो फिक्स है अब आपने एक छोटे सेल लगाया हुआ है वह, छोटी बैटरी लगाई हुई है जिसमें 1.5 वोल्ट है तो वो जितना करंट पास कर रहा है बस उतना ही करेगा अब अगर आप वोल्टेज बढ़ा देंगे यानी दो सेल लगा दें या तीन सेल लगा दें तो फिर करंट बढ़ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर तो क्वेश्चन क्या था वैन वी अप्लाई मोर वोल्टेज फिर क्या होगा मोर करंट विल पास अगला है इलेक्ट्रो मैग्नेटिकम इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इज स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यही क्लियर आंसर नजर आ रहा है क्वेश्चन में भी देखें इलेक्ट्रो यानी करंट मैग्नेट एजम मैग्नेट ये आप डायग्राम देख लें जब भी करंट किसी कॉल में से गुजर रही है तो साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है अगला क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स आर यूज इन एल डी आर एल डी आर तो खुद एक छोटी सी डिवाइस है वो लॉजिक गेट उसके अंदर कहाँ से यूज हो सकते हैं फिर है डी सी सर्किट्स हाँ ये मुझे लग रहा है एनालॉग सर्किट नहीं क्योंकि एनालॉग के अंदर तो बहुत हाई वोल्टेजेस होते हैं ये लॉजिक गेट्स हमेशा प्लस फाइव वोल्ट और जीरो वोल्ट के ऊपर चल रहते हैं और हाउस सेफ्टी हाउस सेफ्टी का सर्किट कुछ लोग कह देते हैं कि ये इसका आंसर है ये इसका आंसर नहीं है बेसिकली डीसी सर्किट्स में हाउस सेफ्टी तो सिर्फ एक जगह है जहाँ पर ये लॉजिक गेट यूज़ हो रहा होता है बाकी डी सर्किट्स के अंदर हर जगह लॉजिक गेट्स यूज़ हो रहे होते हैं ये देखिए मिसाल के तौर पर हाउस सेफ्टी अलार्म है इसमें एक लॉजिक गेट यूज़ ज़रूर हुआ है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हाउस सेफ्टी अलार्म में लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं तो ये जिन लोगों ने इसका जवाब हाउस सेफ्टी लिखा था वो गलत लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल मीनस ऑफ रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्बिटिंग सेटेलाइट एंड अर्थ बहुत आसान है दुनिया में जितनी भी बड़ी कम्युनिकेशन हो रही है वो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रही है रेडियो वेव साउंड वेव्स इनके अंदर डिस्टॉर्शन होती है यह आप तस्वीर भी याद रखें जितने बड़े बड़े माइक्रोवेव एंटीनाज लगे होते हैं ये दुनिया की कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स के साथ कराती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा बीटा गामा गामा तो मैंने हमेशा से याद रखा है गामा पहलवान बहुत तगड़ा था और वो जारी बात ज़्यादा था तो ज़्यादा पेनाट्रेट वही करता था ये डायग्राम से समझ लें अल्फा पार्टिकल जो सिर्फ पेपर तक जाके रुक जाते हैं बीटा पार्टिकल उससे थोड़ा आगे जाके एल्यूमिनियम तक पहुंच जाते हैं गैमा पार्टिकल्स बहुत सारी चीज़ों में से गुजर जाते हैं इवन लेड में से भी लोहे में से भी गुजर जाते हैं बहुत पावरफुल होते हैं तो गैमा को आपने गामा पहलवान से याद रखना है पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है नेक्स्ट है विच इज वट इज द वोल्टेज अक्रॉस अ सिक्स होम रजिस्टर वैन थ्री एमपियर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट बहुत आसान सिंपल ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर करंट कितना है थ्री एम रेजिस्टेंस कितना है सिक्स ओम सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री एटीन वोट्स फाइनल क्वेश्चन इफ़ द टर्न रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज टेन दो चीज़ें याद रखनी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और टर्न रेशियो कितनी है टेन तो इसका क्या मतलब हुआ तस्वीर से समझें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि जो प्राइमरी साइड पे है उसके मुकाबले में सेकेंडरी साइड पे ज्यादा है रेशियो इसने क्या बताइए कि प्राइमरी साइड के मुकाबले में सेकेंडरी साइड पे टेन टाइम्स ज्यादा है तो एन एस इज इक्वल टू टेन टाइम्स एन पी इसका आंसर होगा अगर आपको किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में इन्फॉर्म करें हम उस चैप्टर को एनिमेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अपलोड करेंगे